राशिद सरफराज भाई, देखा होगा आपने पुंछ में भी इनकी ऑडियंस है। काम करते हैं वो, मेहनत बहुत करते हैं। अरे हैं साउथ कश्मीर, फिलहाल घर से तो निकलना है मुझे अकेले ही। शुपियान में पहुंच गए होते, पटन पहुंचा मैं, और देख सकते हो पटन का ये जाम कब खत्म होगा भाई, कब खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान और दोस्त आरजे माजिद, और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे, और साथ ही साथ ये गुफ्तगू आप सुनेंगे रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम पे भी, यानी कि ऑन एयर भी सुनेंगे। गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ प्रोग्राम देख रहे होंगे। गुफ्तगू के इस शुमारे में आज भी मेरे साथ एक खूबसूरत से कलाकार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त मुस्कुराते भी हैं, राशिद सरफराज भाई। देखा होगा आपने पुंछ में भी इनकी ऑडियंस है, और हमारा प्यार इनका प्यार यहाँ इनको खींच लाया। थैंक यू सो मच माजिद भाई। आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो, तभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जी। तो आप सीधे मुद्दे पे आओ, कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो आकर, पूछ आकर जी? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो पुंछ का हमारा पिछले एक साल से प्लान बन रहा था कि हम पुंछ जाएंगे, पुंछ को एक्सप्लोर करेंगे जी। तो फाइनली आज हमें टाइम भी मिल गया, और आपके बारे में भी पता चला कि आप यहीं पे हैं, तो हमारा प्लान बन गया कि हम आएंगे, माजिद भाई से भी मिलेंगे, पुंछ को एक्सप्लोर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कल हम पुंछ मार्केट वगैरह भी घूमे थे, आज फोर्ट वगैरह भी देखा, चक्यांदा बाग वगैरह भी देखा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और साथ में आपकी कंपनी थी तो स्पेशली और ज़्यादा मज़ा आना ही था। क्या बात, तो साथ में आपने अपना यह स्टूडियो वगैरह भी हमें दिखाया, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पुंछ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी यहाँ मिले, तो उनका प्यार मिलता रहता है हमेशा, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से मैंने सबसे पहले बताया कि एक व्लॉगर हैं, अब व्लॉगिंग का जॉनर है, कोई फूड व्लॉगिंग करता है, कोई लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता है, कोई एक्सप्लोर करता है, बट ये मिक्स व्लॉगिंग करते हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हैं फूड व्लॉगिंग के, और भी इनके साथ छोटे छोटे वो इनके साथ ही रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ढोल नगाड़ों के वीडियोस भी दिखाते हैं, पर्सनली वो मुझे अच्छे लगे, देसी वीडियोस, मेरे मैक्सिमम देसी वीडियोस होते हैं। यही है, मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ जी। राशिद सरफराज भाई की एक अलग किस्म का कंटेंट बनाते हैं जी। कब आपको पता चला कि मैं राशिद सरफराज बन गया जी? ये कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं अब वायरल हो रहा हूँ, लोग पहचान रहे हैं जी? तो वो कौन सा ऐसा टाइम था, और उस टाइम पे फीलिंग क्या थी जी? फीलिंग मतलब 2019 से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मतलब कश्मीर में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि व्लॉगिंग का, सिर्फ एक थे यहाँ पे इमाद क्लिक्स जो कश्मीर के जाने माने व्लॉगर हैं, तो उनके व्लॉग्स में देखता था, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी व्लॉग बनाऊं, और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इस पे इतना फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो और इंसान इतना ट्रैवल कर पाएगा। तो धीरे धीरे 2019 फिर इंटरनेट वगैरह बंद हो गया कश्मीर में, आपको पता ही है। तो धीरे धीरे जब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे मैंने कुछ वीडियोस डाली और वो काफी वायरल चलने लगी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो एक दो दिन में व्यूज चले जाते थे। तो उसके बाद मैंने बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट करना स्टार्ट किया, हमारे वहाँ बारामूला में कमान पोस्ट है, कुपवारा में केरन वैली काफी आज ट्रेंडिंग में है, काफी लोग जा रहे हैं, तो वहाँ के जब मैंने वीडियोस बनाए तो काफी ट्रेंडिंग में चले, मिलियन व्यूज आ जाते थे उनमें 2-3 दिनों में। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, अर्निंग भी अच्छी हो रही है, और लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या बात है जी, ये अर्निंग बोला और मुस्कुराहट चेहरे पे, तो समझ सकते हो अर्निंग किस किस्म की हो सकती है। जब मिलियंस में व्यूज जाए तो अर्निंग आएगी। और ये इवेंट्स भी कवर करते हैं, टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, आज पुंछ की धरती पे आए थे, तो पुंछ के व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्दी हम यहाँ से घर जाएंगे। तो कॉन्टेंट के नाम पे जो क्रिंज कॉन्टेंट आ रहा है, क्या कहना चाहोगे उस पे? उसमें हम क्या ही कह सकते हैं, अपनी अपनी मतलब तरीका है लोगों का। वैसे भी कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो कोई और कश्मीर की ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है ना, मतलब अच्छा कंटेंट आप जो देखोगे जिसपे मेहनत लगती है, 4K 5K क्वालिटीज में होती है, उसको लोग पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल। और जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं, मतलब वही पसंद किया जाता है, तो लोग भी मजबूर हैं वैसे क्रिंज कंटेंट बनाने के लिए, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, तो अपना काम कर रहे हैं सब, सब हमारे भाई हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलना है। और बीइंग ए सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स को भी स्पेशली,
कि कंटेंट ऐसा बनाओ, एक तो इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों को देख के पसंद आए, और वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आप सब लोग मिलके फैमिली में भी देखें। ऐसा कंटेंट ना हो कि मतलब कोई अकेला भी देखने में शर्माए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आज आपने बनाया, अगले 10 सालों तक आपका वो कंटेंट अगर कोई भी देखे उनको पसंद आना चाहिए और पूरी फैमिली मिलके देखे, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। क्या बात जी। एक ऐसा रेडियो का भी उसूल है कि आप ऐसे शोज करो जो लोगों को कनेक्टेड लगे, वही इनका कहना है। अर्शद सरफराज भाई, बहुत सारे व्लॉगर्स हमने देखे जो अब म्यूजिक वीडियोस निकाल रहे हैं, क्या आपका ऐसा कोई प्लान है? जी, म्यूजिक में वैसे मेरी उतनी आवाज़ अच्छी तो नहीं है कि मैं म्यूजिक, वैसे इंटरेस्ट तो है, मुझे भी इंटरेस्ट था, और स्पेशली मैं सोच रहा था अपने मतलब पहाड़ी, हम पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने सोचा था क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए म्यूजिक के जरिए। तो मेरे भाई हैं आरजे साजिद, आप उनको जानते ही होंगे, तो उनको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है सिंगिंग वगैरह में, तो गाना वगैरह वो गाते हैं, मैं साथ देता हूँ उनका, कभी वीडियोग्राफी कभी फोटोग्राफी, मतलब जितना मुझसे हो सकता है तो उसमें हम करते हैं। बिल्कुल, उम्मीद हम रख सकते हैं, है ना? उम्मीद हमें यही है कि इनका भी एक म्यूजिक एल्बम आए। और हर एक आर्टिस्ट का कोई ना कोई प्लान होता है जी। आप खुद को 5 सालों में कहाँ देखते हो? फिलहाल तो मेरा ये था कि पहले मैं पूरे कश्मीर को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि कश्मीर में जितना हम मतलब एक्सप्लोर करें ना वो बहुत ही कम है। तो अब मेरा प्लान था कि कश्मीर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं ऑल इंडिया टूर पे जाऊं और वहां पे एक्सप्लोर करूं, बस फिलहाल। और अच्छा चल रहा है, काम ठीक ठाक है। बड़े जबरदस्त है, अच्छे प्लान्स हैं। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें पैम्पर करता है, बूस्ट करता है, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत सारे तो करते हैं, फैंस भी करते हैं, बट दिल के करीब एक होता है, तो वो खुश है आपसे? जी, सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही है, मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि कोई अपने बेटे को बच्चों को रोकता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। वो कहीं भी मुझे घूमने जाने देते थे स्टार्टिंग से, उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद भाई सब जो मेरे साथ होते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, जो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक शेयर या एक लाइक के लिए, मतलब लोगों को कहते थे कि एक लाइक आना चाहिए, तो वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं काफी सारे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज भी करते हैं, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, स्पेशल वही है मेरे लिए। बहुत ही अच्छी बात कही है कि सबसे अव्वल मेरी फैमिली पे आती है, और उसके बाद लोग, और इनके जो हम सफर हैं वो भी इनके साथ ही। और पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आगे आने वाले टाइम में हमें म्यूजिक एल्बम भी देखने को मिलेंगे, लेकिन गायक उसमें हमारे साजिद भाई होंगे और हम बैक टीम बैक टीम आगे आने वाले दिनों में पहुंच के भी व्लॉग्स देखेंगे। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है, इंटरव्यू को हम रैप अप करते हैं इधर ही। उम्मीद ये करते हैं कि आप पूंछ की धरती पे आते रहें, अपना प्यार देते रहें, यहाँ का जो टूरिज्म आप प्रमोट करने की सोचे हो तो ऊपर वाला जो है उसमें आपको कामयाब करें। और आज का जो इंटरव्यू है इतना ही। सरफराज, राशिद सरफराज से बात करके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आए। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ। अगर आप भी ऐसा टैलेंट रखते हो तो हमें मैसेज और ईमेल ज़रूर करिएगा।